फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैनरी टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये सेट है 43 इंच एलजी का, स्मार्ट है, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट आपके सामने, आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर जो है वो शो कर रही है, ठीक है। जैसा कि आप पिक्चर इसकी देख सकते हैं, सारी पिक्चर के ऊपर ब्लू कलर जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको केबल देंगे, बहरहाल ऑलरेडी इसकी पिक्चर तो आप देख सकते हैं, तो इसमें जो पिक्चर इसकी आ रही है ये ब्लू कलर शो कर रही है, ठीक। तो बहरहाल चलो इसको देखते हैं कि प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा हो सकता है। बैकलाइट का भी फॉल्ट हो सकता है कि जब बैकलाइट जो है वो ब्लू कलर शो कर रही है, जब बैकलाइट ब्लू कलर शो करेंगी तो तब भी इस तरह का रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो या फिर इसके टीकोन का भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो बहरहाल इसको रिमूव करने के बाद पता चलेगा क्या इसमें क्या फॉल्ट है। तो चलो इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं। तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ओपन कर लिया। ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये इसका मदरबोर्ड है, ठीक है। तो इसमें टीकोन नहीं है, ये टीकोन के बगैर है, ये डायरेक्ट पैनल के अंदर पैनल है, ठीक है। टीकोन बोर्ड इसमें नहीं है अवेलेबल। तो जब हम इसको यहाँ पे पावर देते हैं तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि इसमें हर फॉल्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं इसको पावर देने जा रहा हूँ, ये मैंने इसको पावर दे दिया। अब आप देख सकते हैं सेट हमारा ऑन हो चुका है। तो जब सेट ऑन हुआ है तो आप बैक देख सकते हैं कि बैक लाइट जो है इसकी वो ब्लू कलर शो कर रही है, ठीक है। इसकी इसका फॉल्ट है इसकी बैक लाइट में, बैक लाइट जो है वो हमें ब्लू कलर दे रही है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे बैक लाइट, ठीक है, ये देख सकते हैं बैक लाइट ऑलरेडी ब्लू कलर जो है वो शो कर रही है, जिसकी वजह से ये हमें फॉल्ट, जो स्क्रीन जो है वो ब्लू कलर शो दे रही है। इसलिए हमें इसकी बैक लाइट को ओपन करना पड़ेगा, पैनल को रिमूव करना पड़ेगा। पैनल को रिमूव करके फिर इसकी बैक लाइट देखते हैं, इसकी बैक लाइट जो है वो चेंज करना पड़ेगी, ठीक है। ये बैक लाइट का फॉल्ट है, बोर्ड के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो बहरहाल चलो इसके पैनल को ओपन करते हैं, रिमूव करते हैं इसके पैनल को, कि देखते हैं कि हर इसमें बैकलाइट किस तरह चेंज करेंगे हम, ठीक है। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं पैनल को मैंने रिमूव कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो बैकलाइट है वो ब्लू कलर शो कर रही है, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट इसके बैकलाइट का, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी सारा ब्लू कलर शो हो रहा है, ठीक है। तो जी फ्रेंड्स, इसमें कुछ ऐसी हैं, जैसा कि अभी ये जो है ये थोड़ा वाइट जो कलर शो कर रही है, बाकी ज़्यादातर जो है वो सारी की सारी जो है वो ब्लू कलर दे रही हैं, जिसकी वजह से हमारा पैनल जो है, हमें पिक्चर जो है वो ब्लू नज़र आ रही थी, ठीक है। तो चलो इनको ओपन रिमूव करते हैं, इसकी जगह पे नई जो है वो LED ऐड करते हैं, तो फिर देखते हैं रिज़ल्ट कैसा है। तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। ये स्क्रीन पहले वाली है, तो अभी ये इसकी जगह पे ये नई जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। ये तीन लेंथ हैं, तो पहले इनको रिमूव कर लेते हैं पहले वाली को, फिर दोबारा इनको ऐड करते हैं, ऐड करके चेक करते हैं, ठीक है। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऐड कर दी हैं, ठीक है। अभी ऑन भी हो चुकी हैं, आप रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वाइट कलर दे रही हैं। तो ये पहले वाली तीन लेंथ हैं, ठीक है, जो कि मैंने रिमूव की, ये ब्लू कलर दे रहे हैं। तो अब हम इसके ऊपर पैनल को फिट करते हैं, पैनल को इसके ऊपर लग फिट करके फिर उसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो जी अब रिज़ल्ट देख सकते हैं, बिल्कुल ओके। तो आखिर में आप सब दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, गूरी फैमिली किचन, अगर आपको शौक है किचन का रेसिपी बनाने का या खाने का, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। इसमें बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं, वो सिखाई जाती हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।